अभी रिटर्न हो गए दिस इज केउल और आप देख रहे हो मेरी YouTube चैनल ट्रैवल विद केउल। आज हम जाने वाले हैं डोंग हिल स्टेशन। ये हमारे पीछे दिख रहा है ना, वो डोंग हिल स्टेशन है ये पीछे। यहाँ से जाना है डोंग, सिर्फ 16 किलोमीटर है यहाँ से। तो चलो निकलते हैं डोंग के लिए। आप देख सकते हो कि रास्ता कितना सुहाना है। ये सब बादल है, बादल पहाड़ पे छाए हुए हैं ये मेरे पीछे। यहाँ से सीधा जाएंगे हम डॉन। ये पीछे भी देखो माहौल कितना अच्छा है, पूरा हरा हरा है। साबुदारा के साइड में 40 किलोमीटर तो डॉन हिल स्टेशन आता है अपना, तो डॉन के लिए जाते हैं। स्टेशन जाते समय ऐसे गजब के नज़ारे आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग फोटोशूट भी करते हैं, देख लो सब फोटोशूट पे ही आए हुए हैं। मोस्ट ऑफ इधर इस तरह के सीनरियो देखने मिलेंगे। यहाँ से हम डोंग हिल स्टेशन चढ़ते जा रहे हैं। गाड़ी की बहुत ट्रैफिक है इसलिए चलते ही जाना पड़ेगा मेरे पीछे ऊपर तक। आप देख सकते हो मेरे पीछे का सिनेरियो, पूरा पीछे। ये पीछे डॉन, डॉन ऊपर तक चढ़ते जा रहे हैं। हम यहाँ खड़े हैं और हमें डोंग हिल स्टेशन यहाँ पे ऊपर जाना है।
है डॉन हिल स्टेशन, ये है डॉन डॉन हिल स्टेशन। हमारे साथ है हमारे फ्रेंड से ये मीत भाई, ये कैमरामैन डोनिल स्टेशन में। सब बादल ये टकरा रहे हैं हमसे, सारे बादल। और बहुत यहाँ पे ठंडी भी है, बहुत हवाएं चल रही है। अभी रिटर्न हो रहे हैं, इस स्टैंडर्ड चढ़ नहीं रही है, गीले हो गए पूरे, सब लोग गीले हो गए, ये सब गीले हो गए। बहुत बारिश थी, मानसून के सीजन में अक्सर यहाँ पे बारिश होती है, इसीलिए जो आप आओ तो रेनकोट वेनकोट लेके आओ, बढ़िया रहे।